यूनिफाइड मेंबर पोर्टल एक ऐसी सुविधा है जहां मेंबर्स ईपीएफ की सभी सेवाओं का ऑनलाइन प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में उपलब्ध सेवाओं के बारे में बताएंगे। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस पोर्टल की सैर पर। सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं और सर्विसेज टैब के अंतर्गत फॉर एम्प्लॉइज पर क्लिक करें। उसके बाद मेंबर्स यूएन ऑब्लिक ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करें। फिर अपना यूएन पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके मेंबर पोर्टल में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप पहुंचेंगे होम पेज पर। यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के होम पेज पर सदस्य का नाम, यूएन, जन्म तिथि, लिंक आदि दिखाई देगा। आप इसे जांच लें। अब हम मेंबर पोर्टल के व्यू टैब को देखते हैं। सबसे पहला सब टैब है प्रोफाइल। यहां आपका पूरा ईपीएफ प्रोफाइल मौजूद है, यानी यूएन, नाम, जन्म तिथि, लिंक आदि। आप इसे अवश्य देखें, इसमें कोई त्रुटि हो तो उसे सही करवा लें। दूसरा है सर्विसेज डिटेल्स। इसमें उन सभी स्थापनाओं का विवरण होता है जहां सदस्य ने काम किया है। सदस्य की पीएफ आईडी, संगठन का नाम, उसकी आईडी, पीएफ एवं पेंशन योजना, ज्वाइन करने और छोड़ने की तिथि आदि। तीसरा सब टैब है यूएएन कार्ड। यहां सदस्य अपना यूएन कार्ड देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्यू टैब के अंतर्गत आखिरी सब टैब है पासबुक। इस पर क्लिक करते ही आपको पासबुक पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां आप अपने पीएफ खाते में अपने और नियोक्ता के हिस्से की राशि देख सकते हैं। साथ ही आप पेंशन योजना में अंशदान की राशि भी देख सकते हैं। मेंबर पोर्टल में दूसरा टैब है मैनेज। आइए अब मैनेज टैब के अंतर्गत दी गई सेवाएं देखते हैं। पहली सर्विस है ज्वाइंट डिक्लेरेशन। इस भाग में सदस्य अपना नाम, जन्मतिथि आदि जैसे मूल विवरण में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में डिटेल में जानने के लिए देखिए हमारा पूर्व का वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। दूसरी सेवा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ सदस्य अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में ओटीपी के माध्यम से परिवर्तन कर सकते हैं। यह बात ध्यान रखनी जरूरी है कि सदस्य वही मोबाइल नंबर डाले जो उसके आधार से लिंक्ड हो। तीसरी सेवा केवाईसी से संबंधित है। इस भाग में केवाईसी यानी पैन, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट नंबर से जुड़े विवरण को अपडेट करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। सदस्य को केवाईसी में किसी भी परिवर्तन के लिए प्रमाण स्वरूप मान्य दस्तावेज नियोक्ता से सत्यापित करवाकर अपलोड करने होंगे। चौथी सेवा ई नॉमिनेशन से संबंधित है। इस भाग में सदस्य ईपीएफ या ईपीएस से संबंधित नॉमिनेशन को फाइल और अपडेट कर सकते हैं। मैनेज टैब में अंतिम सेवा है मार्क एग्जिट। यहां सदस्य डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट और नौकरी छोड़ने के कारण को देख सकते हैं। यहां ये बात जान लेना आवश्यक है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिर्फ नियोक्ता द्वारा अपडेट की जा सकती है। डेट ऑफ एग्जिट भी नियोक्ता द्वारा ही दर्ज की जाती है, लेकिन अगर नियोक्ता ने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं की है तो सदस्य 60 दिन की अवधि के बाद स्वयं भी डेट ऑफ एग्जिट दर्ज कर सकता है। मेंबर पोर्टल में तीसरा टैब है अकाउंट। इसके अंतर्गत सदस्य चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल का पासवर्ड चेंज कर सकता है। मेंबर पोर्टल का चौथा और आखिरी टैब है ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में सबसे पहले हैं क्लेम संबंधी सेवाएं। यहां सदस्य दावा फॉर्म्स 31, 19, 10C और 10D ऑनलाइन भर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया जानने के लिए आप हमारे पूर्व के वीडियो देखें, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। दूसरी सेवा है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट। इसमें जाकर सदस्य अपने पिछले खाते को वर्तमान खाते में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसफर के आवेदन से पहले सदस्य को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका केवाईसी विवरण अपडेटेड है। तीसरी सेवा है ट्रैक क्लेम स्टेटस। इसमें सदस्य अपने ईपीएफ क्लेम के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। चौथी सेवा में सदस्य एनेक्सर के डाउनलोड कर सकते हैं। एनेक्सर के वह दस्तावेज है जिसे सदस्यों को तब जारी किया जाता है जब वे अपनी पीएफ राशि को ट्रांसफर कराते हैं। इसमें उनकी पीएफ राशि व सदस्यता का विवरण होता है। तो यह थी यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में मिलने वाली सभी सेवाओं की जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और अब आप घर बैठे इन सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। आप जय हिंद।